राजस्थान सरकार के विभागों में आपस में नहीं बनती, खासतौर पर जहां वसूली और कार्रवाई के मामले हों वहां तो बिल्कुल नहीं। माइंस वालों और पुलिस वालों में अक्सर खींचातानी देखने को मिलती है, जबकि दोनों सरकार के ही विभाग हैं। ताजा मामला हरमाड़ा क्षेत्र से है। दरअसल हरमाड़ा में शुक्रवार सवेरे करीब 5 बजे माइंस विभाग ने बजरी से भरा हुआ ट्रेलर पकड़ा। ट्रेलर में करीब 70 टन बजरी थी। इसे पाली से जेतारण से लाया गया था और जयपुर खाली होना था। इस बीच इस अवैध बजरी के वाहन को माइंस विभाग की टीम ने पकड़ लिया। बजरी से भरे इस वाहन को लेकर थाना जो कि हरमाड़ा था वहां खड़ा करने के लिए माइंस वालों का चालक ले गया, लेकिन थाने की पुलिस ने इसे थाने में खड़ा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वाहन को यहां खड़ा नहीं करने देंगे, कहीं और ले जाओ। काफी प्रयास के बाद भी माइंस कर्मिकों को वहां पर वाहन खड़ा करने नहीं दिया गया। इस बीच वाहन थाने के बाहर ही खड़ा रहा। थानाधिकारी और अन्य स्टाफ बातचीत करने से बचते रहे। आज सुबह साढ़े पाँच बजे के आसपास 14 नंबर पुलिया के पास से ये गाड़ी बजरी से भरी हुई है, इसको सीज किया था हमने। उसको सीज करके यहाँ हरमाड़ा थाने पे लेके आए। थाने में लाने के बाद इनको जब थाने में सुपुर्दगी देने लगे तो ये सुपुर्दगी देने से मना कर दिया। फिर हमने बोला भाई कहाँ खड़ी करे थे, उन्होंने बोला जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ ले जाओ। उसके बाद मेरे उच्च अधिकारी को बताया तो उन्होंने आगे डिप्टी साहब से उनसे बात की, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैं लगभग 4-4.5 घंटे से यहाँ गाड़ी के पास खड़ा हूँ। इनसे ड्यूटी चेंज हो गई, ड्यूटी ऑफिसर नए आ गए, उनसे भी बात बोली तो वो भी यही बात बोल रहे हैं कि जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ ले जाओ, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होगी। तो उसके बाद हम कहाँ खड़ी कराएँ, फिर परेशानी आ रही है काफ़ी हमें।